तीन, तीन का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हमारे ज्यादातर लोग जानते हैं ट्रिनिटी ऑफ गॉड, भगवान की ट्रिनिटी है ब्रह्मा विष्णु महेश। सांसारिक लोगों का ज्ञान यहीं पर जाकर समाप्त हो जाता है, लेकिन जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एक भगवान होते हैं और एक देवता होते हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी। तो विष्णु तो भगवान ही है, तत्व है, लेकिन फिर भी कृष्ण जो है वो पर भगवान है, परात परमेश्वर है। तो ये बात कंसेप्ट समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जब हम भागवत पढ़ते हैं तो उसमें शिव जी को भी कभी कभी भगवान कहा गया है, भगवान ओवाच। या फिर हम प्राय देखते हैं कि गुरु को भी साक्षात हरित्वे न समस्त शास्त्रे, गुरु को भी भगवान कह दिया जाता है। और कभी कभी वैष्णव को भी कहते हैं अरे भगवान आपकी कृपा है। तो कितने भगवान है, तो कौन सा भगवान है? अगर हम एक शब्द समझें कि एक मूल भगवान है और एक गौण, मूल कारण गौण कारण, मुख्य और गौण, तो मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है। बाकी सब उनके सूचक रूप में जो भगवान का भजन करते हैं उनको भी भगवान कह दिया जाता है, या भागवत कह दिया जाता है। जैसे ग्रंथ जो भगवान का दर्शन कराए ग्रंथ भागवत, जो व्यक्ति भगवान का दर्शन कराए भक्त, व्यक्ति भागवत, भक्त भागवत। लेकिन भागवत का मतलब है भगवान से जुड़ा हुआ, है ना। जैसे भगवत गीता को श्रीमद् भगवत गीता, भगवान के द्वारा गाया गया गाना भी भगवान भगवत बन जाता है। तो ये समझने वाली बात है कि भगवान कौन है। तो भगवान केवल कृष्ण है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.